कथा कर्म सेवा और पूजा। परतंत्रता दिखती है तो अभिमान के कारण दिखती है। अभिमान नहीं रखना है। अपने को कोई कहे वैसा करने में बहुत आनंद है, कहे जैसा करने में अपने पर कुछ जिम्मेदारी नहीं रहती, थोड़ा सा भी अपने पर आफत नहीं रहती। कहे जो कर दें बोले, इसमें तनिक भी प्रतंत्रता मालूम देती है, प्रतंत्रता है ही नहीं इसमें। अभिमान के कारण परतंत्रता प्रतीत होती है, बड़ी स्वतंत्रता बड़ी आज़ादी है इसमें। कह दिया वैसा कर दिया, बस अपने पर कोई जिम्मेदारी नहीं है थोड़ी सी भी, ना पहले ना उस समय ना पीछे। तूने ऐसा कैसे कर दिया कि वह कह दिया, इसलिए कर दिया। अभिमान के कारण यह बात समझ में नहीं आती। मौज बहुत है इसमें बोलो, इसमें शंका करो। अरे भाई, सीधी सी बात है, कौन सी गुड़ पंक्ति है। करना पड़ता है अभिमानी को। अभिमान आया है ना भीतर, वह छुपता है, वह करने नहीं देता। बुरा लगता है, साइकिल को घुमा लें गोल गोल तो घूम जाए, सीधी चलाएं खड़ी कर दे तो खड़ी हो जावे, उतर जाओ तो उतर जाओ, चढ़ जाओ तो चढ़ जाओ। आगे चला कर पीछे चलाई, फिर आगे चलाई और फिर पीछे चलाई। साइकिल कहती है क्या फिर बार बार ऐसा क्यों चलाते हो, कहती है क्या मर्जी है मालिक की, चलाओ मत चलाओ, गोल चलाओ, खड़ा कर दो, जैसे जैसा चलाओ, हमें क्या मतलब है। देखो भारी तब लगता है जब आज्ञा देने वाला है उसमें आदर बुद्धि नहीं है, पूज्य बुद्धि नहीं है। और पूज्य बुद्धि होती तो वह कुछ कह दे तो इतनी खुशी होती है कि कह नहीं सकते। कभी कहते नहीं, मेरे को कह दिया, इतने आनंद की बात है। आपसे आप यदि करते तो इतने फायदे की नहीं होती। उन्होंने आज्ञा दे दी, मेरे को कह दिया, ओहो मैं तो बड़ा भागी हूँ, ऐसे बहुत आनंद आता है। परंतु आज्ञा देने वाले में पूज्य बुद्धि आदरभाव होनी चाहिए। तीन तरह का काम है, एक काम करना है, एक सेवा करना है, एक पूजा करना है। काम तो नौकर भी कर देगा जिसमें सेवापन का भाव रहता है, वो सेवा करता है, जबकि काम वो काम ही है, उस समय वो सेवा हो जाती है। और वो जब जिसका आज्ञा का पालन करता है उस पर बहुत पूज्य भाव रखता है, जैसे भगवत बुद्धि है, भगवान है साक्षात। वे कह दे कि तू ऐसा कर दे तो कितना आनंद आवे, इसमें वो पूजा होती है, वही काम पूजा हो जाएगा। पिता की सेवा करने के भीतर में पूज्य भाव रहे कि मेरा अहो भाग्य है, जीवन सफल हो गया, सफल हो गया, वस्तु सफल हो गई कि इनकी सेवा में लग गए, तब वह पूजा हो जाती है। आदर ज़्यादा होने से पूजा, कम आदर होने से सेवा। और स्वार्थ के लिए तनख्वाह के लिए काम करता है तो वह है काम। ये तीन भेद हो जाते हैं भाव के कारण से। जितना ही भाव त्याग का होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। अपने द्वारा कामना का त्याग और उसमें पूज्य बुद्धि, ये दो चीज़ हैं खास। हमें तो गीता में सातवें और नौवें अध्याय में दो बातें ही खास दिखती है। सातवें में तो कामना के कारण और नौवें में मेरे को जानते नहीं इस वास्ते पतन होता है। तो भगवान बुद्धि हो और इधर स्वार्थ का त्याग हो तो उसमें मुक्ति हो गई, बंधन रहा ही नहीं। बंधन दो ही है, एक है पदार्थ और एक है क्रिया। एक तो काम करना और एक धन चाहना। इन दोनों में जितनी आसक्ति होती है, जिनकी प्रियता होती है, वह परमार्थिक रुचि नहीं कर सकता। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी आसक्ति है, भोगना और पदार्थों का संग्रह कर दो ही बात बताई तो क्रियाओं में और पदार्थों में नहीं फंसना। भोग जितना होता है वह क्रियाजन्य होता है, भोग होता है क्रिया होती है, इसमें क्रियाजन्य सुख और संग्रह है, वह पदार्थ जन्य पदार्थों का संग्रह कर लूँ। इस वास्ते भगवान ने कहा, ये वस्तु अर्पण कर दो और अगाड़ी क्रिया अर्पण कर दो तो दोनों बंधनों से छूट जाएगा। क्रिया और पदार्थ ये दो रूप ही हैं, प्रकृति के प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्रिया और पदार्थों के वश में रहेगा वह प्रकृति के वश में रहेगा, जन्मेगा और मरेगा। गुण सात्विक राजस और तामस होते हैं, पदार्थ भी सात्विक राजस और तामस होते हैं। जो पदार्थ और क्रियाओं में आसक्त है वो फंस जाएगा, तो इसमें ना फंसे इसका उपाय है आज्ञा पालन।
आज्ञा पालन के समान कोई सेवा ही नहीं है, तो कहें जो ही करें अपने कुछ करना है ही नहीं। कृतज्ञ हैं अपने कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ लेना ही नहीं, और कुछ संबंध भी नहीं अपने। लाठी है उसे जैसे वैसे चला दो, माला को घुमाओ वैसे घुमा दो, माला लाठी कुछ कहती नहीं, क्यों घुमाओ यूं करो, तुम्हारी मर्जी है जैसे करो, ऐसा बड़ा आनंद है। शिष्य के लिए, पुत्र के लिए, स्त्री के लिए, नौकर के लिए, प्रजा के लिए बहुत आनंद है। अपना कुछ है ही नहीं, मालिक कहे जैसे कर दिया, हरदम मस्त रहे। दुख और संताप कुछ है ही नहीं, ना अपनी कोई चीज़ है, ना कोई क्रिया है, ना अपने कुछ लेना है, ना कुछ करना है। शास्त्रों ने प्रतिवर्ता की बड़ी महिमा गई है, प्रतिवर्ता की महिमा क्यों है? पति को ज्यों करे उसकी राजी में राजी रहें, अपना कुछ नहीं, अपने आप भी अपनी नहीं, वे तो पति की है, बस उसके हाथ का खिलौना है। खिलाओ पिलाओ मर्जी आवे जो चलाओ, ऐसे ही पुत्र होता है, पुत्र का शिष्य का पत्नी का बहुत जल्दी होता है। अपनी हेकड़ी छोड़ी की हुआ कल्याण अपने पर काम आ जाए तो उसको तो ये विचार करना पड़ता है कि यह करे कि नहीं करे, यह ठीक है कि बेठीक है। पर उन्होंने कह दिया, अपने कर दिया, क्यों कर दिया कि उन्होंने कह दिया, इस वास्ते कर दिया। अपने क्या मतलब बोलो, इसमें शंका क्या है? अरे भी अभिमान भरा है भीतर में भाई, अभिमान भरा, अभिमान, आलस, आलस ऐसी वृत्तियाँ हैं, तामसी वृत्तियाँ कम होते हुए सुमता से कल्याण हो जाता है, और ज़्यादा होती हैं तो देरी लगती है। शास्त्र विहित ही करना है, निषद थोड़े ही करना है। प्राणी सेवा की प्रभु पूजा है, सेवा और पूजा में अंतर क्या है? हाँ जी, काम कर देना सेवा है, पूजा होता है चंदन से, अगरबत्ती से, दीपक दिखाने से, आरती करने से, फूल चढ़ाने से, यह पूजा होती है, इसको भी सेवा कह देते हैं। पर पूजा है यह, तो पूजा करने में जिसका हम पूजन करते हैं उसको ऐसा कोई लोभ लाभ नहीं होता। पुण्य चढ़ा, पुष्प चढ़ा दिया तो क्या हुआ, चंदन चढ़ा दिया तो क्या हुआ, धूप दीप कर दिया तो क्या मिल गया उसको, उसको सुख ज़्यादा होता है सेवा करने से। पग चंग चंपी कर दी, स्नान करा दिया, कपड़े धो दिए, ऐसे यदि वो उनकी सेवा करे तो सुख ज़्यादा होता है। पर सेवा बुद्धि से भी विशेष, अगर पूजा बुद्धि से करता है तो स्वयं गदगद हो जाता है, मस्त हो जाता है। वह कहीं सेवा का काम मिले तो सेवा में पूजा बुद्धि हो जाती है तो निहाल हो जाता है। चरण चापी करता है एक तो, और एक चरण छूता है, चरण छूने में जिसके चरण होता है उसको कुछ नहीं मिलता है, स्वयं अभिमान भले ही कर ले। और चरण चापी करता है तो थकावट दूर होती है। भाव जिसका चरण छूने का है, पूजा बुद्धि है तो चरण छूने मात्र से जैसे बिजली का करंट आता है, ऐसे ही उनके आनंद का एक करंट आता है। ऐसे चरण चापी करना सेवा है और चरण छूना पूजा है, यह पूजा का और सेवा का भेद है। जितना अपने अभिमान का त्याग होता है उसको सुख कैसे पहुँचे, उसको आराम कैसे पहुँचे, यह सेवा भाव होता है। वह पूजनीय आदरणीय एवं हमारा भोजन भी स्वीकार कर ले, चंदन भी स्वीकार कर ले, हमारा नमस्कार भी स्वीकार कर ले तो मैं निहाल हो जाऊँ, यह पूजा का भाव है। जहाँ पूज्य भाव होता है वहाँ भारी कैसे लगे, वो तो त्याग करता रहता है, हरदम की विचार करता रहता है किस तरह से मेरे को सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए तो अपना हो भाग्य समझता है, बस निहाल हो गया आज तो। और ऐसा मालूम पड़ता है जिसकी कृपा से यह हो रहा है, मेरे यह भाव है कि ना हो, यह इनकी कृपा है, काम भी इन्हीं कृपा से होता है, वह तो जीवन मुक्त हो गए महाराज, इतना मस्त हो गया। उसकी तो सेवा पूजा देखकर दूसरी आदमियों का कल्याण हो जाए, अगर उसकी भाव यह है तो ऐसी बात है। और भारी लगता है तो आलस्य है, प्रमाद है और अभिमान भी है, आदि में दोष है, यह बात है भैया। जितना ही दुख होता है आनंद नहीं आता, उसमें अपने अपने दोष हैं भीतर, अपने दोष न रहने से बहुत ही मौज होती है। जितना निर्दोष जीवन है उतना उसके आनंद रहता है। इस बात को समझने नहीं, इस वास्ते लोग चोरी करते हैं, चालाकी कर लेते हैं, ठगी लेते हैं।
इससे खुद को दुख होता है, अशांति रह सकती है, उसकी प्रसन्नता नहीं कर सकती, परंतु पदार्थों में ज़्यादा आसक्ति है, पदार्थों को मूल्यवान समझता है, इस वास्ते झूठ कपट कर धोखा दे राजी होता है। यह महान पतन का रास्ता है, बहुत नुकसान कर लिया अपना, और जितना निर्दोष जीवन होता है अपना शुद्ध कर लिया होता है। आलस्य, प्रमाद, झूठ, धोखेबाजी, लोभ, क्रोध, कामना कुछ भी नहीं होती, उतना अंतःकरण निर्मल होता है, हल्का होता है, और मस्ती होती है, आनंद हरदम रहता है, भीतर से आनंद उमड़ता है। जैसे शीत ज्वर चढ़े तो भीतर से ठंड लगती है, ऐसे भीतर से आनंद उठता है। उनके बाह्य पदार्थ से सुख लेने की इच्छा नहीं होती, बाह्य पदार्थों का सुख तो पराधीनता का है, पराधीनता ही है। और जब भीतर से संतोष आवे, बहुत आनंद हो रहा है, कुछ चाहिए नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, जिएंगे कैसे, जीना भी क्यों चाहिए, भगवान को जिलाने की लाख गरज हो तो दे दो, तो जी जाएंगे, नहीं तो चलने दो। हमने जीने से मतलब नहीं, शरीर से मतलब नहीं, प्राणों से मतलब नहीं, जीने से मतलब नहीं, भगवान, संत, महात्मा, संसार, सब उसकी सब गरज करे, उसकी उसको किसी की गरज नहीं, भगवान की भी नहीं, भगवान को गरज होती है ऐसे पुरुषों की। मैं हूँ भगवान को दास, भगवान मेरे मुकुटमणि, भगवान भगवान भक्तिमान है, भगवान भगत हैं, भगवान भगवान को आनंद बहुत आता है इसमें, और माँ को आनंद आता है ना बच्चे का पालन करने में, नहीं तो आप हम इतने बड़े कैसे हो जाएं। वो प्रशंसा से पालती है, आनंद आता है माँ को, जब टट्टी पेशाब फिर देते हैं माँ बाप पर। एक सज्जन कह रहे थे, काशी के मदन मोहन जी महाराज थे, ब्याह कराने को गए कहीं, तो ब्याह में बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहने आई। एक बहन के गोद में बालक था, दूसरी बहन पास में बैठी थी, तो गोदी में जो बालक था वो टट्टी फिरने लगा। टट्टी की आवाज़ आई तो पास वाली बहन ने कहा, देख ये टट्टी जाता है, तो वो कहती है, हल्ला मत कर, इसके हाथ लगा देंगे, इसको पता लग जाएगा तो टट्टी रुक जाएगी, इसकी चुप रह। इसमें कोई सेवा पूजा हो रही है क्या इसकी, उसने कहा, चुप रह। रेशमी साड़ी में टट्टी कर रहा है और कहती है, बोल मत, टट्टी रुक जाएगी, बालक की, बोलो इसमें कोई सेवा पूजा हो रही है क्या, वो रोगी न हो जाए यह चिंता है। माँ यशोदा धमकाती है कन्हैया को, क्यों लाला तूने माटी खाई, बता। यशोदा समझा रही है हाथ में लाठी लेकर, क्यों माटी खाई, दूध दही की तेरे को ना कहीं क्या, कभी मैंने तो माटी क्यों खाता है, धमकाती है, मतलब क्या है, मिट्टी खा लेगा तो पेट खराब हो जाएगा, भीतर से रोग लग जाएगा, ये दुख पावेगा। माँ की चिंता हो रही है, कन्हैया तो परवाह नहीं करता, ये झूठ बोलते हैं सब, सच्चा तो मैं ही हूँ, कन्हैया कहता, मैं वज्र में मेरे समान भला आदमी कोई नहीं है। माँ हंसती है कि मैं जानती हूँ तू है बड़ा। ठाकुर जी कहते हैं कि वज्र में उनके समान भला कौन है, माँ के विश्वास ही नहीं हुए। माँ कहती है कि मैं जानती हूँ तेरे को, माँ का स्नेह बहुत है, अत्यधिक ज़्यादा, और लाला को इतनी मस्ती आती है। महाराज, पूतना ने मारने के लिए जहर पिलाया और उसकी मुक्ति दे दी, दूध पिलाने वाली माता को क्या देंगे, जहर पिलाने वाले को मुक्ति दे दी, दूध पिलाने वाली माता को अपने आप को देते हैं और क्या देवे, वे चाहे रस्सी से बांधे देवे और बच जाते हैं, वहाँ दामोदर नाम हो जाता है। अब बांध दे, छोड़ दे, अपनी मर्जी आवे जैसे करे, माया माँ है, अपनी खुशी है जैसे वह करे, ऐसी बात है, वे भी भीतर में भाव होता है ना, भाव से भगवान वश में हो जाते हैं, तो जहाँ वो पूज्य भाव होता है वहाँ भारी लगता है क्या, बोलो अपने भाव की कमी है।